आज है नवमी और रियू जा रही है कन्या पूजन में, तो तैयार होके बैठी है। ये बोलो जय माता दी। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का नवा दिन यानी कि नवमी, तो आज भी काफ़ी जगह कन्या पूजन कराया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। तो रियू गई है कन्या पूजन में और मैंने नहा लिया है, मेरी पूजा हो गई है और बस अभी थोड़ी पेट पूजा करना बाकी है, तो जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने। रियू अभी आई नहीं है, बस उसका भी वेट कर रही हूँ कि आ जाए जल्दी से, तो उसको भी देखूँ फिर कि क्या करना है, कुछ खाएगी या खा के आएगी, क्या करेगी पता नहीं। तो गाइस, रियू अभी घर आ गई है और ये देखिए क्या लेकर आई है, उसको कन्या में क्या मिला। रियू क्या मिला है दिखाओ। कॉइन बैंक। काफ़ी जगह गई है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के लाई से कितनी जगह घूम रही थी, सब लोग लेके जा रहे थे ना सारे बच्चों को। और ये जहाँ रियू कन्या खाने गई थी ना, वहाँ का एक वीडियो है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इधर आरू क्यूब सॉल्व कर रहा है बैठा, और रियू पता नहीं क्या कर रही है, खेल रही है पोकेमॉन कार्ड्स लेके। रियू स्केच कलर सोफे पे चल जाएगा बेटा। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं नीचे गरबा में। ये रियू, ये इधर आरू। मैं अभी तक जा ही नहीं पाई थी, हिमांशु ऊपर रुके हैं क्योंकि घंटिया जल रहा है और हम तीनों जा रहे हैं नीचे। गाइस, मैं आज ना आपको अपनी सोसाइटी भी दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट हुई है। गाइस, रियू वहाँ बैठी बैठी सो गई थी, तो फिर इसलिए मैं अभी घर जा रही हूँ वापस। आरू नहीं आया है अभी, आरू अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, वो बाद में आएगा। बस मैं अभी रियू को लेके घर जा रही हूँ, अभी वो गोदी गोदी कर रही है, एकदम नींद में है। सो गई थी चेयर पे बैठी बैठी, फिर मैंने देखा कि सो गई है तो फिर लेके आई। आने का भी मन नहीं कर रहा था उसको, इसकी फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए थे, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था, बट ये सो गई थी। अभी मैं जा रही हूँ सीधे घर। रियू को ना रियू की फ्रेंड मिल गई है, तो उसको इसका प्लान चेंज हो गया, वो कह रही है कि अभी मैं रुकूँगी।
जा रहे हैं घर। रियू ने भी बहुत खेल लिया, आरू तो बहुत ही खेला, एकदम सेट्स में हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। रियू थोड़ा गुस्सा हो गया। तो अभी हम पहुंच गए घर और हिमांशु अंदर हैं, तो लॉक खोलने का कोई झंझट नहीं, हिमांशु ओपन कर देंगे डोर। और 11 बज चुका है तो मैं मंदिर की इधर लाइट ऑफ कर देती हूँ अभी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है अभी। गाइज अभी मैं आ गई हूँ घर, और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रही थी कि अभी से ना मेरे व्लॉग, मतलब नवरात्रि हो जाए, ये दशहरा है कल, और उसके बाद से मेरा एक टाइम फिक्स करूँगी मैं, और उसी टाइम पर मैं अपना व्लॉग अपलोड करा करूँगी, मतलब पब्लिक किया करूँगी। क्योंकि अभी ना जैसे नवरात्रि है, मेरे को पूजा करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल से लाना ये सब, तो मैं एकदम एक टाइम पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वीडियो एडिट करना सब कुछ बहुत काम होता है, तो एक टाइम पर मैं नहीं कर पा रही थी। बट दशहरे के बाद मैं एकदम एक टाइम पर, और वो टाइम मैं आपको कल बता दूंगी फिक्स टाइम। तो आप जैसे ही मेरा वीडियो आया, फटाफट से देख के एक लाइक और कमेंट कर दिया करिएगा, कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। आज मेरा 19th व्लॉग है ये वाला, 18th तो आज आ चुका है, 19th है जो कल आप लोगों के सामने आने वाला है। मतलब आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, कल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए वही दिन होगा। तो 19th व्लॉग है ये मेरा, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।